दाता चौक मरकजी जुलूस मिलाद कमेटी की तरफ से और छोटे मोटे गांव से जो आए जुलूस है एक मरकजी शक्ल में दाता चौक पर पहुंचने वाला है। हम उनको दिल की यथा गिराइयों से खुश आमदीद कहते हैं और बेशक मुबारकबाद के मुस्तहिक हर साल की तरह एक अजीम जुलूस इस बार भी मरकजी जामिया मस्जिद के खतीब हाफिज अनाजुद्दीन साहब की क़यादत में ये मरकजी जुलूस दाता चौक आमद पर खुश आमदीद कहते हैं। हम दाता चौक की तरफ से और तमाम दाता चौक के दुकानदारों की तरफ से इस जुलूस को खुश आमदीद कहते हैं और अपने सोशल मीडिया के जो भाई कवरेज कर रहे हैं खसूसी तौर पर जिंदगी बेवली ग्रुप की तरफ से और अंसार न्यूज की तरफ से हम खुश आमदीद जनाब हजरत अलामा मौलाना मकसूद अवान साहब स्टेज पर आमद पर खुश आमदीद कहते हैं और उनके साथ जितने भी लाफान और उलमाए इकराम मौजूद हैं उनको भी दिल की अथाह ग्रहणियों से खुश आमदीद और जश्न ईद मिलाद उन नबी की बहुत बहुत मुबारक। मरकजी जुलूस को दाता चौक में वेलकम किया लक्ष्मी साहब जहाँ कहीं भी आपसे इंतवाज करूँ आपसे यहाँ पे तशरीफ फरमा हो। बिना तखीर आज की इस तकलीफ का आगाज अल्लाह के पाकलाम से करने के लिए मुलतमिश हो कारी नाजदीन साहब आप तशरीफ फरमा हो अल्लाह के पाकलाम से हाफिज जगीर साहब तशरीफ हो। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجاءوا على वीडियो की प्लीज लाइक भी कर सो तो शेयर भी कर सो जी ताकि दूसरे भी जितने बंदे मौजूद नहीं हैं या जो बैरूने मुल्क च वो भी शिरकत करी सकन। वेलकम आने जी अकील अहमद साहब अरसलान विकी साहब दाता चौक देवली च मौजूद हैं जी मरकजी जुलूस हजरत लामा मौलाना मकसूद अवान साहब ने क्या दी चूँ मिलाद चौक जो शेख वाहिद प्लाजे सुटू रहा सा था ये जुलूस हूँ दाता चौक बेवल पहुंचा जी लाला शबीर साहब का मलक तारक रहने स्टेज पर इतना जुलूस ने वेलकम किया जाना पे इस बाद जुलूस जरा अगर अपना सिलसिला जारी रख सी तो मरकजी जामिया मस्जिद बेवली च इख्तिताम पजीर हो सी।
रखने लगे तमाम व्यूअर्स की। अकील अहमद साहब, जंगीर अहमद साहब, फरहान खान, ए आर मलिक, अरसलान विकी, बाकी जितने दोस्त साढ़े नाल है जी, वीडियो की प्लीज़ लाइक कर सो, शेयर भी कर सो। मोहम्मद मुस्तफा आए बहारों में बहार आई, मोहम्मद मुस्तफा आए बहारों में बहार आई, जमीन को चूमने जन्नत की खुशबू कार कार आई, जनाबे आप इमाम बचा चम चमकर जमाने में कमल की चांदनी कदमों पे होने को निशान आई, बड़ी मायूस की गाड़ी हलीमा जम गई मक्के मगर आई गले पर दो जहां का गाजी मकसूद ईमान साहब उन खिताब कर सो। बहार आई बहार आई बहार आई, वो आयते मनाती है भाई शाम जमाने में, बहार आई बहार आई। आपकी एक हफ्तों में दावत रखूंगा मोहम्मद सुहेल चश्मी साहब तशरीफ फरमा हो, आदि अमर शहजाद तशरीफ साहब तशरीफ फरमा हो, दरगाह खाने काम में अपनी हाजिरी का समय नारा है तकबीर, मोहम्मद प्रसाद जी के आवाज खड़े हैं मोहम्मद का समय नारा है तकबीर, अल्लाह हू अकबर, वेलकम जी मोहम्मद आसिम साहब, अरशद महमूद साहब, उमर वारसी, तमाम व्यूअर्स की तखड़े लगी, वेलकम आखने जी जिंदगी बेवली तरफों, दादा चौक बेवली च मौजूद हैं, जश्न ईद मियादे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो मरकजी जुलूस था दादा चौक बेवल स्टेज पर मौजूद, हजरत अल्लामा मकसूद ऐवान साहब की क़यादत दी, शहबाज़ अली साहब, शफीकुर रहमान साहब, वेलकम किस्मत ने उसे शहजाद, जहांगीर अहमद साहब, सारे सारे नाल जितने भी बंदे हुए प्लीज वीडियो की लाइक कर सो, शेयर कर सो। ईद मिलादुन नबी ने आले नाल जी ये सारे जुलूस दाता चौक च बैठा होया वेलकम जी यूके सू भी जड़े व्यूअर्स तखड़े पे उन्होंने वेलकम आ रहे हैं।
मोहम्मद इब्रार एंड जफर साहब दाता चौक डेवली जिसले जदू जुलूस मौजूद है जी। ये जुलूस मर्जी जहां मस्जिद डेवली की खुताम पजीर उसी चौधरी वकास साहब अजर महमूद साहब मोहम्मद इस्माइल जितने भी और तखने के व्यूअर्स है यूके से दुबई से सारे की वेलकम आखड़े हैं। वेलकम होना पे जी अल्लामा मकसूद अहमान साहब ना अनसुर रहमान है भी साढ़े नाल जी वेलकम आखड़े हैं। प्लीज वीडियो को लाइक कर सो शेयर कर सो ताकि और भी तखड़े ले जेड़े बंदे मौजूद नहीं हैं वो भी तखी सकन। शान सैनी साहब वेलकम आखड़े हैं शुक्रगुजार हूँ जनाब मोहतरम लाला शबीर साहेब और मेरे भाई जनाब मोहतरम मलिक मोहम्मद तारिक साहेब। मैं इनका और उनकी जो टीम है उन्हें मुबारकबाद पेश करता हूँ जो हर साल इस दाता चौक के अंदर खूबसूरत स्टेज भी बनाते हैं खूबसूरत इंतजाम भी करते हैं और खूबसूरत अंदाज से हमारा इस्तकबाल भी करते हैं। वेलकम जी नदीम साजिद साहब मोहम्मद शहजाद चौधरी शबरेज जट साहब ये जुलूस के इस्तकबाल के लिए एक अपनी अदन सी कोशिश करते हैं जैसे मैं और आप हर साल खूबसूरत अंदाज में देखते तो इसी जमन में मेरे साथ उलमाए कराम सनातन रसूल अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा है स्टेज की जीनत बने हैं। मैं उलमाए कराम का भी आप खान हजरात का भी आप बुजुर्गों का भी जी बेवल है जी बिल्कुल दाता चौक बेवल इज मौजूद है खतीब होने की हैसियत से मरकजी इंतजामिया मेरे साथ मौजूद है इनके साथ की तरफ से आप तमाम लोगों का जुलूस की इस पुरवकास निजाम के अंदर जुलूस के साथ चलने पे शामिल होने पे तमाम लोगों का शुक्रिया तमाम लोगों के शुक्रगुजार। इसके साथ साथ मीडिया वाले दोस्त हैं उनका मेरे साथ सामने हमारे नौमान साहब खड़े हैं ये लाइव कवरेज कर रहे हैं और जितने भी दोस्त हैं चाहे सोशल मीडिया पे हो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे हो प्रिंट मीडिया वाले जितने भी दोस्त हैं उनका भी शुक्रिया ताजर बिरादरी जितनी भी है उनका भी शुक्रिया साहबी बिरादरी का भी शुक्रिया बुजुर्गों का नौजवान दोस्तों का बच्चों का सबका शुक्रिया क्योंकि आप चूँकि ये आखिरी स्टेज है इस पर हमारा हक बनता है कि हम आपको इज्जत से अलविदा करें और अभी हम दुनिया के इस लड़ाई से निकल कर अब अल्लाह के घर की तरफ रवा रवा है अब अल्लाह के मेहमान बनने जा रहे हैं। अभी हम कभी पाक की इज्जत और अजमत के लिए गलियों में चौकों में खड़े हैं हजूर के मिलाद के लिए अभी मस्जिद में जाएंगे टाइम बिल्कुल थोड़ा है मेहमान खतीब तशरीफ फरमा है अभी आपने उनका जुमा भी पढ़ना है मस्जिद के अंदर प्रोग्राम होगा आज जो मुझे कमी महसूस हो रही है जिस चीज़ को मैं महसूस कर रहा हूँ वो ये है कि मेरी ये ख्वाहिश होती है कि पहले इंसान की रूह है फिर उसके बाद इंसान का जिस्म रूह जब निकलती है यूके से मिस यू बेवल मिस यू पाकिस्तान बिल्कुल जी परदेश इच अपने वतन या यादा अच्छियां ए रौनकां ते मेले जिक्र खुदा और जिक्र मुस्तफा इसको तरजीह दिया करिए। मैं आप लोगों को नहीं कह रहा ये मेरी तरफ से आप पैगाम दे कर जाए उन दोस्तों को कि जो सुबह को मन समा के आ जाते हैं और फिर उसके बाद बच्चा थोड़ी देर के लिए उनका मिशन और लेकिन जुलूस को कामयाब करना जगह
इंतजामिया एक महीने से आपके लिए मुलाकात का लगा रहे हो, 7 घंटे बाद लंगर आना जरूरी है, बरकत है, इज्जत है, बीमारियों से शुमार और इंतजामिया के आप लोगों की ताबत से आप मोहम्मद से अखराजात है, माशाल्लाह खुशी लगा होता है, लेकिन सिर्फ लगा ना लगा जुलूस को कमयाब करें, जुलूस के साथ आ रहे हैं। वेलकम जी मोहम्मद तबरेज साहब, लेकिन ये मैसेज जरूर लेना कि इतना खूबसूरत इंतजाम। वेलकम जी साढ़े वेरी रिस्पेक्टेबल अंकल मोहम्मद साजिद अफयाल साहब, वेलकम जी अंकल हबीब रशीद साहब, दाता चौक बेवली मौजूद हैं जी, फजल लामा मकसूद ऐवान साहब खिताब फरमाने पे इन्होंने क्यादत च जुलूस दाता चौक बेवली पहुंची है। वेलकम आने जी अगैन हबीब रशीद साहब, साजिद अफयाल साहब, बाकी जितने दोस्त व्यूअर्स तखने पे असा की जिंदगी बेवलनी, प्लीज़ वीडियो की लाइक तो शेयर कर सो ताकि जेडे बंदे बैरूने ममालक च वो भी याद दिन रौनक तखी सकन। अभी रशीद साहब है और मोहतरम जनाब बशीर मरवान लाल रशीद साहब, तो ये उनका स्टेज लगा हुआ है, फिर आगे लाले हैं, फिर मलिक साहब ने, फिर उनके दोस्तों ने, बच्चे हैं, उनके भतीजे हैं, लाले फिल्म है, दीगर साथी हैं, तो ये वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहु। मोहम्मद साजिद अफयाल साहब सा की भी ईद मिलाद नबी ने बहुत बहुत मुबारक हो जी, मकामे इब्राहिम उस पत्थर को जिसमत हजरत इब्राहिम के कदमों से हुई, आज तक वो मकामे इब्राहिम कायम है। निस्बत की बड़ी बात है, हमें निस्बत है अपने नबी से, हमें निस्बत है मोहम्मद रसूलुल्लाह से, हमें निस्बत है खैर मुबारक जी जश्न ईद मिलादुन्नबी की मुबारक हो तखने के तमाम व्यूअर्स की भी जिंदगी बेवली तरफों मिलाद कमेटी की तरफों दाता चौक बेवली तरफों सबा की ईद मिलादुन्नबी ने बेशुमार मुबारक। बहुत शुक्रिया जी यूके तू जेड़े सनल व्यूअर्स तकने पे लाइव टेलीकास्ट इंशाल्लाह आगे भी चलसी क्योंकि मजीद ही रौनक दसा तेरा
वेलकम जी सैयद सिबत साहब तुसा की भी जश्न ईद मिलाद नबी भी बहुत बहुत मुबारक हो जी दाता मौजूद हैं जी हजरत अल्लामा मौलाना देवान साहब खिताब करने पे मर्जी जुलूस चलिया सा शेख अब्दुल वाहिद प्लाजा मिलाद चौक चू जड़ा कि दाता चौक बेवली च रुकिया हुआ स्टेज तो मकसूद देवान साहब ने क्या दी जुलूस आया जी बहुत खूबसूरत जुलूस तो यह जुलूस अगर जमा मस्जिद बेवली जी उत्थे इख्तिताम पजीर सी प्लीज वीडियो की लाइक कर सो तो शेयर भी कर सो जड़े बंदे नहीं शिरकत करी सके अगर उन्हें मुल्क चो भी शिरकत करी सकन वेलकम जी गुराने में खैर मुबारक जी तुम्हें भी बहुत बहुत मुबारक हो ईद मिलाद नबी जी थोड़े थोड़े अगराध आगे हो जाए ताकि गाड़ियों को पीछे किसी गाड़ी है उसको रास्ता दिया जाए तमाम अगरा रास्ता थोड़ा छोड़ उसी दाता चौक बेवल स्टेज के बाद जुलूस ना जो इख्तिताम है जी जामा मस्जिद बेवल उत्थे लंगर ने बंदोबस्त किया गया वा लंगर स्टार्ट हो पिछले एक डेढ़ घंटे तो प्राइमरी स्कूल ने ग्राउंड भी ताई स्कूल ने ग्राउंड भी इंतजामिया कमेटी की तरफों मिलाद कमेटी सुनी तरीक बेवली तरफों इंतजामिया लंगर खिलानी भी माशाल्लाह बहुत खूबसूरत लंगर ने इहतमाम किया गया बहुत वसी पैमाने पर जान
अपने इज्जत आबरू से मेरे वाला मालामाल फरमा, दोनों जहानों की कामयाबियां नसीब फरमा, अपने प्यारे नबी की गुलामी को कबूल करीम परवरदिगार, जितने भी मलक साहब के साथ अदालत के इंतजार जिन दोस्तों ने बच्चों ने जिन्होंने भी इस तरह खैर के अंदर जितना जितना ऐसा लिया करीम परवरदिगार उसके मौत को कबूल फरमा, या अल्लाह सैयद जमीला को कबूल फरमा, या अल्लाह इस अपने प्यारे महबूब के जिक्र का सदका अपने नबी के मिलाद का सदका हम सब के गुनाहों को माफ फरमा, बीमारों को शिफा का नसीब फरमा, परेशान हालों की परेशानियों को दूर फरमा, मजबूर और रस्तों को भी दस्तगिरी फरमा, इन दोनों साहिबान के खानदान में जितने भी छोटे बड़े दुनिया फानी से फर्दा फरमा गए सबकी बख्श जो वक्त फरमा, उन्हें बुलंदी दर्जात नसीब फरमा, दादा मोहम्मद बशीर मरहूम के अल्लाह उन्हें बुलंदी दर्जात नसीब फरमा, उन्हें करवट करवट जन्नत अता फरमा, जन्नत और फिरदौस के अंदर आला मुकाम नसीब फरमा, इलाहुल आलमीन मुबारक।